नमस्ते। आज हमारा जल संसाधन और कृषि का फोर्थ पार्ट है, और आज हम जल संसाधन और कृषि में कल जहाँ तक पढ़ा था उससे क्या बढ़ जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। और 3 क्लास तक आपको, ये क्लास देखने से पहले पहली तीनों क्लासेस के डाटा जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे आपको क्या करने होंगे, रिवाइज करने होंगे। उसके बाद एक बहुत छोटी सी 4-6 क्वेश्चन, सॉरी, छोटी सी क्वेश्चंस की सीरीज आएगी जिसमें आपको क्या दिए जाएंगे करने के लिए, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक। तो आगे चले, चलो तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान ग्रामीण जन संप्रदाय और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना से। फ्लोरोसिस की राजस्थान में बड़ी भयंकर गड़बड़ है, बहुत ज्यादा फ्लोरोसिस से लोग परेशान है राजस्थान में, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो आज जहां से शुरू करेंगे वो जगह कौन सी है, राजस्थान ग्रामीण जन प्रदाय और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। पहला तो ये इम्पोर्टेंट है, अब आपको इसको ध्यान में कैसे रखना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, जो कोई भी अभी नोट्स बना रहा है या एपी के एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहा है वो एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखे कि इस स्कीम पर उनको फोकस रखना है। इस स्कीम में क्या चीज याद करने लायक है और कौन सी चीज एग्जामिनर पूछ सकता है उसको आप बाहर निकाल लें। तो देखो, राजस्थान ग्रामीण जन प्रदाय और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, तो सिंपल लिखो ग्रामीण एवं फ्लोरोसिस, बस इतना लिखो, ग्रामीण एवं फ्लोरोसिस। अब पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात की स्कीम को कब शुरू किया गया। देखो, फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस का मतलब कुछ नहीं है, फ्लोरोसिस में फ्लोराइड एक तत्व है। फ्लोराइड तत्व जब क्या करता है, भूमिगत जल के साथ आपके पीने के पानी में घुल जाता है, और जब आप उस फ्लोराइड युक्त पानी को अपने शरीर में प्रवेश कराते हो, बेसिकली आप फ्लोराइड वाला पानी पीते हो, तो जब आप फ्लोराइड वाला पानी पीते हो तो आपके शरीर की कुछ हड्डियों में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, उससे जो बीमारी होती है उसे फ्लोरोसिस कहते हैं। अगर आपको कल की क्लास याद है तो मैंने आपको कहा था कि पूरे गांव और ढानिया जो 63% है वो भूजल पर निर्भर है, पेयजल को लेकर, सिंचाई को लेकर। तो बस वही चीज है कि जब 63% पर भूजल से पानी जा रहा है, और उस केस में जहाँ फ्लोराइड मौजूद है और फ्लोराइड पानी के अंदर घुला हुआ है, और जनता जब उस पानी को पी रही है, फ्लोराइड युक्त पानी को, तो उसको एक बीमारी हो रहा है फ्लोरोसिस, जिससे कि दांत, हड्डियां, ये सब खराब हो रही है। तो अब इस चीज से निपटने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। तो सरकार ने जो स्कीम शुरू की वो है ग्रामीण और फ्लोरोसिस। आपको दो कीवर्ड याद रखने हैं कि एक ही परियोजना के अंदर दो कीवर्ड होंगे, एक जगह ग्रामीण ढूंढना होगा और दूसरी जगह आपको फ्लोरोसिस ढूंढना होगा। अब ये स्कीम कब शुरू की गई इसको आपको ध्यान रखना होगा, तो ये स्कीम शुरू की गई आपके 2013 में शुरू की गई। अब मुश्किल ये है कि हम कितनी कितनी स्कीम का ईयर याद रखें। देखो, मुश्किल है, बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, जिस किसी भी स्कीम का इम्पॉर्टेंट है उसका ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। चूंकि ये फ्लोरोसिस से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए आपको इसका स्कीम क्या करना होगा, याद रखना हो इसका ईयर जो है वो याद रखना होगा। तो इसका ईयर कौन सा है, 2013 है। अब बड़े लेवल पर ये स्कीम चल रही है, तो इसमें बाहर से भी क्या लिया जा रहा है, आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है, और आर्थिक सहयोग किससे लिया जा रहा है, जीका से लिया जा रहा है। किससे लिया जा रहा है, जीका से, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी से। ये भी क्वेश्चन आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी देखो तो नागौरी जो उच्च भूमि है या नागौरी जो बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि के 3 हिस्से हैं। ये जो आपका नागौरी बंजर भूमि है, इस नागौरी बंजर भूमि के 3 हिस्से हैं। एक तरफ है जिप्सम बेल्ट, है ना, एक तरफ कौन सा बेल्ट है आपका, जिप्सम बेल्ट है, एक तरफ है आपकी मकराना श्रेणी, और एक तरफ आपका ये वाला जो हिस्सा जो अजमेर से टच होता है, जो किससे टच होता है, अजमेर से टच होता है, यही हिस्सा जो है वो फ्लोराइड से क्या है, युक्त है। किससे युक्त है, फ्लोराइड से। इसको जायल श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जायल श्रेणी। ये आपके जायल नागौर से शुरू होगी और पुष्कर अजमेर तक फैली है। तो जायल नागौर से लेके पुष्कर अजमेर तक पूरा फ्लोराइड का एक बेल्ट है, जिसमें भूजल में भी क्या घुला हुआ है, फ्लोराइड घुला हुआ है। आरओ के द्वारा बहुत फिल्टर करने के बावजूद फ्लोराइड क्या नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता, और वो पानी पीने के बाद आदमी को 100 तरीके की तकलीफें होती है, हड्डियों से संबंधित बीमारियां होती है। तो अब सरकार ने ये ध्यान रखा है कि इस फ्लोराइड पट्टी पर हमें कौन सा प्रोग्राम चलाना है, जीका की सहायता से ग्रामीण जन प्रदाय और फ्लोरोसिस
क्लोरोसिस निराकरण, निराकरण का मतलब क्या होता है, सुधार करना, निराकरण का मतलब क्या होता है, सुधार करना, कि जो ग्रामीण लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं हम उनका क्या करेंगे, सुधार करेंगे। और ये उन्होंने कब से ठानी है, 2013 से उन्होंने ये चीज ठान ली है। ठीक है, पैसे किससे लिए जा रहे हैं, आर्थिक सहयोग किससे लिया जा रहा है, तो आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है जीका से। अब ये देखो, नागौर जिले के 968 गांव 7 कस्बों को IGNP का पानी उपलब्ध कराकर क्लोराइड मुक्त किया जा रहा है। यहाँ पे आएगा फ्लोराइड मुक्त किया जा रहा है, किससे मुक्त किया जा रहा है, फ्लोराइड से मुक्त किया जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है कि चलानी कहाँ है आपको, नागौर में चलानी है। और आपको ये नहीं याद रखना कि कितने गांव हैं, कितने कस्बे हैं, सिर्फ इतना याद रखना है कि नागौर में चल रही है, क्योंकि जायल नागौर से लेके पुष्कर अजमेर तक पूरा 13 किलोमीटर, याद रखना कितने किलोमीटर तक का बेल्ट है, 13 किलोमीटर का बेल्ट है आपका, पुष्कर नागौर से शुरू हो, जायल नागौर से शुरू होता है। सर्दी इतनी ज्यादा है ना कि दिमाग जम गया है आज। ठीक है, जायल नागौर से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, ये पूरी की पूरी पट्टी आपकी पुष्कर अजमेर पर खत्म होती है। ये जो 13 किलोमीटर का पूरा बेल्ट है, ये फ्लोराइड के पानी की पट्टी है, इसी पट्टी को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि भाई देखो नागौर के क्षेत्र के अंदर हम IGNP से क्या दे देंगे, पानी दे देंगे और फ्लोराइड मुक्त कर देंगे सबको। तो समझ में आया, तो बहुत आसान है। ग्रामीण लोग जो जायल पुष्कर, जायल नागौर से लेके पुष्कर अजमेर के बीच में रहते हैं और वो भूजल में वो वाला पानी मिलते हैं, पी रहे हैं जिसके अंदर फ्लोराइड मिला हुआ है। देखो हम पानी पीते हैं या हम दूध पीते हैं जिसमें बॉर्नवीटा मिला हुआ होता है या पता नहीं कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती हैं, इन लोगों के भाग देखो इनके फ्लोराइड मिला हुआ है, उसको पीने से इनको क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो रही है। तो 2013 से गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि जीका को साथ लाते हैं और इन लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो सब मिलके चलते हैं नागौर और इनको IGNP का पानी दे देते हैं, तो इनको भूजल से वो पानी पीना नहीं पड़ेगा और प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सोचो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना क्विक और सीधा सॉल्यूशन, कि अच्छा ठीक है भूजल में ही तो फ्लोरोसिस है तो छोड़ दो मत पियो, बढ़िया तरीके से हमने जीका को बुलाया है, वो पैसे देगी, हम IGNP से एक ब्रांच निकाल देंगे और नागौर के लोगों को IGNP का पानी पिला देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। जब वो भूजल का पानी पियेंगे ही नहीं जिसमें फ्लोराइड है, तो कहाँ से उनको फ्लोरोसिस होगा। और ये प्लान वो कब से चला रहे हैं, 2013 से चला रहे हैं। तो क्लियर, आगे चलूं मैं, चलो हाँ अगला फिर से है, इस बार लिखा हुआ है फ्लोरोसिस नियंत्रण। देखो अब आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको ऐसे एक दीवार बनानी है, एक तरफ लिखना है ग्रामीण एवं फ्लोरोसिस निराकरण। निराकरण का मतलब होता है उपाय ढूंढना, सुधार करना। ये स्कीम है आपकी 2013 की, जी का इसमें आपकी सहायता कर रहा है और आपको कुछ नहीं करना। नागौर में आपको भूजल के पानी की जगह कौन सा पानी पिलाना है, IGNP का पानी पिला देना है, बस इतना सा प्योर सा सॉल्यूशन, थोड़ा सा प्यारा सा सॉल्यूशन करना है आपको, कोई लंबी चौड़ी क्या नहीं है, बात नहीं है। अब दूसरी जो है वो कौन सी है, तो देखो ये कई बार क्या होती है दिमाग में ओवरलैप हो जाती है, इसलिए आपको इसकी ओवरलैपिंग रोकनी है। इस बार जो है वो सिंपल है, वो कौन सी है, फ्लोरोसिस नियंत्रण है। कौन सी है, फ्लोरोसिस नियंत्रण। ठीक, तो पहली जो आपने पीछे पढ़ के आए हैं वो कौन सी है, वो है आपकी ग्रामीण और फ्लोरोसिस निराकरण। अब जो आप पढ़ रहे हो वो कौन सी है, वो है फ्लोरोसिस नियंत्रण है। अब फ्लोरोसिस नियंत्रण सरकार अकेले तो नहीं कर सकती, निराकरण में उसको जीका की याद आ गई थी तो नियंत्रण में तो वो बिल्कुल भी अकेले काम नहीं कर सकती। तो इस बार वो किसको लाए हैं साथ में, यूनिसेफ को लाए हैं। किसको साथ लाए हैं, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ से मदद ली जा रही है और यूनिसेफ से मदद लेकर क्या किया जा रहा है, डीफ्लोरेशन, क्या लगाया जा रहा है, डीफ्लोरेशन, डीफ्लोरेशन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। क्या लगाए जा रहे हैं, डीफ्लोरेशन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब देखो बहुत सिंपल है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूजल से पानी पी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जायल का गांव है, ये जायल गांव है, यहाँ ये जितने भी लोग रह रहे हैं इन सबको हैंडपंप से पानी पीने का आदत, इन सबको किसका आदत है, हैंडपंप से पानी पीने का आदत है, ये हमारा हैंडपंप हो गया। अब इनको जब वो नहरी पानी पिलाया जा रहा है IGNP का, तो इनको मजा नहीं आ रहा है, इनको क्या नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो
तो सरकार ने कहा कि रुक जाओ रे, हम क्या करते हैं, यूनिसेफ से फिर से मदद मांगते हैं, और यूनिसेफ से मदद मांग कर आपके इस हैंडपंप से निकले पानी को फ्लोराइड मुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्लोराइड मुक्त। और फ्लोराइड मुक्त करना ही यहाँ क्या कहलाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ फ्लोराइड मुक्त करना ही क्या कहलाएगा, डीफ्लोरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डीफ्लोरेशन। मतलब जैसे आपने वो सुना होगा ना कि धक्का देके बाहर निकालो, तो यहाँ पे आपको धक्का देके किसको बाहर निकालना है, फ्लोराइड को पानी में से धक्के देके बाहर निकालना है। जैसे ही आप फ्लोराइड को धक्का देके पानी से बाहर निकाल दोगे, तो जो पानी आपके पास बचेगा वो फ्लोराइड फ्री होगा। लेकिन डीफ्लोरेशन प्लांट लगाने के लिए आपको भारी मात्रा में पैसे की आवश्यकता है। अब आप जीका से दोबारा पैसा मांग नहीं सकते हो, तो आपने किसके सामने हाथ फैला लिए हैं कि प्लीज यूनिसेफ मुझको पैसा दे दे ताकि मेरा फ्लोरोसिस क्या हो जाए, गाँव का नियंत्रित हो जाए। तो क्लियर, एक अच्छी इमेज और एक क्लियरिटी दोनों स्कीम के अंदर आपके दिमाग में अगर आ गई है तो थम्स अप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर पॉलिटी आसान नहीं है तो इको भी क्या नहीं है, आसान नहीं है। तो अब इसको वापस पढ़ते हैं कि राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम किसकी सहायता से है, यूनिसेफ की सहायता से है। राजस्थान सरकार व यूनिसेफ राज्य के फ्लोराइड से प्रभावित गाँव में आवश्यकता अनुसार हैंडपंप और घरेलू स्तर पर डीफ्लोरेशन संयंत्रों की क्या करेगा, स्थापना करेगा। वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है, 30 जिलों में ये क्या है, संचालित है। और राजस्थान के 33 जिले फ्लोराइड से, 33 के 33 सारे के सारे राजस्थान में किससे प्रभावित है, फ्लोराइड से प्रभावित है। अब आपको यहाँ जिलों की संख्या पर नहीं फंसना, क्योंकि सरकार को खुद को ही नहीं बताएगी अभी राजस्थान में कितने जिले हैं, कभी 50 बनाते हैं, कभी 53 बनाते हैं, तो सरकार खुद कंफ्यूज है। तो फिर एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं बनाएगा, लेकिन वो आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम किसकी सहायता से चल रहा है, यूनिसेफ की सहायता से। क्या करते हैं उसके अंदर, सिंपल सा काम करते हैं, पानी के अंदर से फ्लोराइड को भगाते हैं, और जिसको साइंस की भाषा में कहा जाता है डीफ्लोरेशन संयंत्र। इतना ईजी आपको चीजों को करना पड़ेगा, और जब मैं आपके साथ हूँ तो ये चीजें आराम से क्या हो जाएगी, आपके लिए ईजी हो जाएगी, है ना। तो बस डीफ्लोरेशन संयंत्र की स्थापना कर दो, हैंडपंप पर कर दो और घर में कर दो, बस उसके बाद फ्लोरोसिस पर क्या पा लिया जाएगा, नियंत्रण पा लिया जाएगा। क्लियर, आगे चले। चलो अगला, जल शक्ति अभियान। अगला कौन सा पढ़ना है आपको, जल शक्ति अभियान पढ़ना है। तो जल शक्ति अभियान कब से शुरू हुआ ये ध्यान रखना, 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ। देश के कितने, 255 जिलों में ये प्रारंभ हुआ। राजस्थान के कितने हैं इसके अंदर, 29 जिले हैं। तो अब जल शक्ति अभियान को बाहर निकालिए और टाइप अपने नोट्स के अंदर लिखिए, जल शक्ति अभियान। ठीक है, अब जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब से कर दो, तो देखो 2 जुलाई 2019 से कर दो। सिंपल याद रखो, जुलाई 2019। अब जुलाई 2019 लिखा है आपने तो बहुत आसान है कि आगे 1 जुलाई ही होगा। तो जुलाई 2019 से आप जल शक्ति अभियान को शुरू करो। इसको देश भर के 255 जिलों में लागू करना है। कितने जिलों में लागू करना है, पूरे देश के 255 जिलों में आपको लागू करना है। फिर इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे, तो इसके में राजस्थान के 29 जिले शामिल होंगे। ये चीज आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो जिन लोगों को अभी एग्जाम देना है 7 फरवरी को, उनको ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा, अभी नोट कर लो। लेकिन जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसको वीडियो मिलेगा तो वहाँ ये पीपीटी में आपको ध्यान आ जाएगा, लेकिन जिसने नहीं ले रखा है टेस्ट सीरीज उसके लिए तो उसको अभी नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो प्रथम चरण जो है वो इसका 30 सितंबर 2019 तक चलाया गया है। अब प्रथम चरण आपको ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं। अजमेर जिले को क्या दिया गया है, इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। ये चीज फिर से क्या उठा सकती है, क्वेश्चन उठा सकती है। अब इसके पीछे शब्द है जल शक्ति। अब जल शक्ति यानी कि हम जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, हम पानी के मामले में आत्मनिर्भर कैसे बने। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि ऊपर से जो आपका बारिश का पानी आ रहा है उसका आप बेहतर ढंग से क्या कर लो, संरक्षण कर लो। ठीक है, और जो पानी आप व्यर्थ बहा दे रहे हो उसका भी क्या कर लो, संरक्षण कर लो, संरक्षण कर लो, और जल ग्रहण सिस्टम को क्या कर दो, अच्छा कर दो। बस, तो जल संरक्षण और जल संग्रहण के काम इसमें किए जाएंगे। जहां कहीं भी वर्षा जल संग्रहण का कोई प्लांट नहीं लगा हुआ होगा वहां पर वर्षा जल संग्रहण के प्लांट लगाएंगे। आगोर तालाबों का संरक्षण किया जाएगा ताकि वर्षा के पानी से
ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाए और कुछ समय तक पशुओं को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध रहे। तो जल शक्ति अभियान में वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ऊपर से पानी आ रहा है तो जो भी आपके जल संरक्षण की विधियां हैं उनको वापस जीवित करो, जल संरक्षण के प्रयास करो, जल संग्रहण के प्रयास करो, तब आप क्या बन जाएंगे, जल इकट्ठा करने में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जल शक्ति अभियान हो गया सिंपल, कब से शुरू कर दो, तो बोले जुलाई 2019 से शुरू कर दो। तो जुलाई 2019 से 255 जिलों में शामिल हुए, जिसमें हमारे राजस्थान का कौन शामिल था, कितने थे, 29 थे, लेकिन हमारे राजस्थान से फर्स्ट कौन आया, अजमेर आया। क्लियर, आगे चलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। हाँ, अगला कौन सा मिशन है आपका, जल जीवन मिशन। इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। अब इंपॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि सेंट्रल की स्कीम है और स्टेट में इसने न्यूज़पेपर में अपना बड़ा नाम करा है। अगर आपने देखा होगा तो जल जीवन मिशन में राजस्थान में बड़े बड़े घोटाले निकले थे, तो इसीलिए जल जीवन मिशन क्या हो जाता है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज जो जल जीवन मिशन, इसको JJM लिखते हैं, क्या लिखते हैं शॉर्ट में, JJM, जल जीवन मिशन। कब लॉन्च होता है ये, तो 15 अगस्त 2019 को। तो एक चीज आप ध्यान रखना, हमें जल से शक्ति कब मिलेगी, तो जुलाई 2019 में। कब मिलेगी आपको, जुलाई 2019 में। अब शक्ति मिल गई तो आप जल के किस पर चले जाना, मिशन पर चले जाना, और मिशन पर आप कब जाओगे, अगस्त 2019 को। आगे क्या लिख देना, 15। तो ये आपको दो स्कीम एक साथ क्या रह जाएगी, दिमाग में रह जाएगी। तो अब देखो, इसकी घोषणा होती है 15 अगस्त 2019 को, और इसका लक्ष्य क्या है कि 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले, यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन को गौर रखने की बात है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर तक, तो 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले, 100 से अधिक आबादी वाले, अधिक आबादी वाले गांव को, 100 से अधिक आबादी वाले गांव को हर घर नल से जल देना है। हर घर नल से क्या देना है, जल देना है, ये इसका उद्देश्य है। तो बहुत सिंपल है देखो, और गांव की बात हो रही है, शहर की बात नहीं हो रही है। तो जब भी जल जीवन मिशन से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए या सीधा क्वेश्चन आए, मुझे ऐसा इंट्यूशन है कि जल जीवन मिशन से आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत आसान है। तो जल जीवन मिशन कहता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, और बहुत सिंपल सी बात ये है जल जीवन मिशन में कि देखो 15 अगस्त 2019 को हमने शुरू किया था, और हमने ये तय कर लिया था कि हम 2024 तक वो सारे गांव जो 100 से अधिक आबादी वाले हैं उनको नल का कनेक्शन दे देंगे। बस, हर घर नल से जल हो गया। अब पढ़ते हैं आगे, अब क्या कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति लीटर पर कितना लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, तो इस स्कीम के अनुसार 55 लीटर। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन के अनुसार कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, 55 लीटर उपलब्ध होना चाहिए। तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो, केंद्र और राज्य की भागीदारी, इसमें फिर से आपका कौन सा बिस्किट आएगा, ब्रिटानिया 50-50, कौन सा आएगा, ब्रिटानिया 50-50। देखो, ब्रिटानिया 50-50 के दो बिस्किट है आपके पास, और दोनों ही सेंटर के हैं। एक है आपके पास अटल भूजल योजना, जिसमें एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक है। दूसरा आपके पास ब्रिटानिया 50-50 में कौन आ रहा है, जल जीवन मिशन है, जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है, 50-50 है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, तब आज आप इस क्लास को देखते वक्त ये समझ पाएंगे कि एग्जामिनर महोदय कितने होशियार होते हैं। अभी हाल ही में RS की परीक्षा जो 2000 अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर 2023 में हुई थी, उसमें अटल भूजल योजना से क्वेश्चन आया। उस क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट था कि अटल भूजल योजना में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 50% है। बहुत सारे टीचर्स ने और बहुत सारे स्टूडेंट ने RPSC की इस आंसर की पर सवाल उठाया कि क्यों भाई ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। वो स्टेटमेंट इसलिए गलत था क्योंकि केंद्र और राज्य की 50-50% की भागीदारी जल जीवन मिशन में थी, जो उनके दिमाग में ओवरलैप हो रही थी। अटल भूजल के अंदर 50-50% की जो भागीदारी थी वो वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की थी। तो जब RPSC की आंसर की आई, तो RPSC ने भी उसको सही माना, RPSC ने भी उसको गलत माना, बोला ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 50-50% की हिस्सेदारी भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में है। इतना मूड तक एग्जामिनर जाता है, क्योंकि आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं और पढ़ाते वक्त मेरा दिमाग बहुत 360 डिग्री पर सोच लेता है, तो मैंने हाथों हाथ आपको बताया। तो इस इतने से हिस्से की क्लिप अगर आप काट सको तो जरूर सेव रखना, और जाकर उस क्वेश्चन को देखना भी।
ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो फिर से एपी के एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जल जीवन मिशन में जो 50-50% की भागीदारी है वो केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में है, तो यहाँ पे आपको करना होगा रॉन्ग कि नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 50-50% की भागीदारी है। क्लियर? चलो अब देखो, राज्य स्तर पर ये क्या चलाते हैं, राज्य जल और स्वच्छता मिशन, और जिला स्तर पर ये क्या चलाते हैं, जिला एवं स्वच्छता मिशन, और ग्राम स्तर पर कौन सा मिशन चलता है, ग्राम जल और स्वच्छता मिशन। अब बहुत गौर से मेरी आवाज सुनना, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, जिस दिन से मैंने सेकेंड ग्रेड के एग्जाम से मैंने आपके साथ पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया था, उस दिन से लेके आज तक के दिन तक मैं सिर्फ एक बात आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर, मेरी आवाज पर, और इस वक्त इस 1 घंटे का पूरा इस्तेमाल अपने विकास पर करें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। चेक बॉक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे आपका कोई मतलब नहीं, इससे चेक बॉक्स के अंदर सीधे आपके आंसर आने चाहिए, जैसे कि एक ऑफलाइन बैच में आते हैं। ओके, तो चलो एक बार फिर से सुनो, तो जल जीवन मिशन जो है बड़े आराम से 15 अगस्त 2019 को लॉन्च कर दो। केंद्र और सरकार ने मिलके 50-50% का ब्रिटानिया 50-50 खा लिया और बोला ब्रिटानिया 50-50 खा के कि 2024 में हम 100 से आबादी वाले हर गांव तक नल पहुंचा देंगे, ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर, गौर से सुनना, ताकि गांव के हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंच जाए। बस बात खत्म। अब इसके लिए क्या करना होगा, बोले 3 स्तर पर काम करना होगा, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर। राज्य स्तर पर स्वच्छता, जिला स्तर पर स्वच्छता और ग्राम स्तर पर स्वच्छता। क्यों? क्योंकि इन्होंने वादा किया है कि हम शुद्ध पेयजल देंगे। इतना आसान होता है, स्कीम को याद करना, रट्टा करने का जरूरत नहीं पड़ता। बिल्कुल समझ में आया, आगे बढ़ूं? चलो हाँ, अब अगला कौन सा याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री राजवीर, ये राजवीर नहीं है, ये है राजनीर, मुख्यमंत्री राजनीर योजना, नीर मन पानी। अब इसकी घोषणा कब होती है, आपको घोषणा में नहीं जाना, अगर ये आपको सिर्फ क्या करना है, रीड करके छोड़ना है, 13 मार्च 2020 है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 15,000 लीटर का मासिक जल, तो मुख्यमंत्री राजनीर योजना में इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, और इसका उद्देश्य क्या कहता है आपको कि आप कहाँ चले जाओ, शहर में चले जाओ, और शहर के जो घरेलू उपभोक्ता है, शहर के जो घरेलू उपभोक्ता है, उन घरेलू उपभोक्ताओं को आपको हर महीने, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर महीने 15,000, कितना लिखा हुआ है, 15,000 लीटर, हर महीने 15,000 लीटर जो पानी का खर्चा है, पानी का जो खर्चा है उसको क्या करना होगा, आपको माफ करना होगा। तो समझ आया आपको, बहुत इजी है कि मुख्यमंत्री राजनीर योजना का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, और वो उद्देश्य में क्या कह रहे हैं कि कहाँ जाइए आप, शहर जाइए, शहर में जो घरेलू उपभोक्ता मिलेगा उसका हर महीने का आपको पानी का बिल देखना है। क्या देखना है, हर महीने का पानी का बिल, उस पानी के बिल में 15,000 लीटर तक का जो खर्चा है वो आपको क्या कर देना है, माफ कर देना है। बस ये आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में स्कीम थी ना, फ्री पानी फ्री बिजली, उससे इंस्पायर थी ये मुख्यमंत्री राजनीर योजना। फिर क्या कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम निशुल्क पेयजल आपूर्ति कर देंगे, उनको तो हम फ्री में ही दे देंगे। तब क्या, अब 2 हिस्से हो गए, एक हो गया शहरी क्षेत्र और एक हो गया आपका ग्रामीण। ग्रामीण में तो ये कह रहे हैं कंप्लीट फ्री है, पूरी तरीके से क्या है, फ्री पेयजल आपूर्ति है, क्या है, पूरी तरीके से फ्री पेयजल आपूर्ति। लेकिन शहरी क्षेत्रों में वो कह रहे हैं कि हम हर महीने क्या देखेंगे, पानी का बिल देखेंगे, और पानी का बिल देखने के बाद उनका 15,000 लीटर तक का माफ कर देंगे। क्या कर देंगे, 15,000 लीटर तक का माफ कर देंगे। तो क्लियर, आगे चलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब आते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि एक तो स्कीम अच्छी है, और जो राजीव गांधी जल संचयन योजना है इसी का ही विस्तृत रूप है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जरूर पूछता है, आपको इसका प्रथम चरण का डेट हर हालत में याद रखना होगा, क्योंकि ये कई बार क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। इसकी शुरुआत हुई थी 27 जनवरी 2016 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत,
27 जनवरी 2016 को गर्दन खेड़ी जो गांव था झालावाड़ का, वहां से उस समय की सिटिंग सीएम वसुंधरा राजे जी ने इस अच्छे से प्लान को क्या किया था, लॉन्च किया था। इसका दूसरा चरण 9 दिसंबर 2016 को शुरू होता है, ये भी झालावाड़ से है, बस जगह कौन सी है, देवरी है। लेकिन आपको प्रथम चरण को ध्यान रखना है और इसकी ये वाली जो डेट है वो क्या उठा सकती है, क्वेश्चन उठा सकती है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन में आपको यही इतना ही ध्यान रखना है, आगे चले चलो। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, राजीव गांधी जल संचयन योजना। राजीव गांधी जल संचयन योजना इतनी पूछ ली गई है कि अब एग्जामिनर एग्जॉस्ट हो गया है, वो पूछने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको पढ़ेंगे तो सही, तो एक सिंपल नजरिए से पढ़ेंगे, पर सिंपल रखेंगे इसको, क्या रखेंगे, सिंपल रखेंगे। तो अब इसका प्रथम चरण ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ, कि भाई प्रथम चरण में ये कितने में थी। तो ये 20 अगस्त 2019 को लॉन्च हुई थी, उस समय राजस्थान के 33 के 33 जिलों में, 295 ब्लॉक्स में और 4,029 ग्राम में ये क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। द्वितीय चरण जो है वो 22 जुलाई 2023 से शुरू होता है। अब द्वितीय चरण याद इसलिए नहीं रखना है क्योंकि एक तो जिलों की संख्या बदल चुकी होगी इसमें, पंचायत समिति और ग्राम का जो सिस्टम है वो एक बार के लिए क्या हो गया होगा, नया आएगा, जब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब आएगा। तब तक के लिए आपको सिर्फ क्या याद रखना है, भले ही आप एपी का भी एग्जाम देने जा रहे हो, कि ये 20 अगस्त 2019 की स्कीम है। तो राजीव गांधी जल संचयन योजना में याद रखना है 20 अगस्त 2019। देखो बहुत आसान है, 19-20 क्या याद रख लेना, 19-20। जबकि आपको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जिसको मैं MJSA लिखती हूँ, उसमें आपको याद रखना है 27 जनवरी 2016 से शुरू होती है, गर्दन खेड़ी झालावाड़ से। दोनों स्कीम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा है, जल संरक्षण की प्रयास है सरकार के द्वारा, आम व्यक्तियों के द्वारा, एनजीओस के द्वारा जल संरक्षण के प्रयास करने हैं। बस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को एक बार साइडलाइन करके इन्होंने ये नई स्कीम क्या कर दी थी, लॉन्च कर दी थी, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ठीक, आगे चलें। हाँ, अगली कौन सी परियोजना है आपकी, नीरांचल। नीरांचल योजना जो है वो आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब नीरांचल परियोजना जो है इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ये स्कीम है। ठीक बात, अब कब शुरू की गई थी ये याद रखना इतना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखो तो ये 2016-17 में शुरू की गई है। कब शुरू की गई है, 2016-17। अब यहाँ पे भी आरएस के एग्जाम की तरह एक क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है, गौर से सुने इस वक्त अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, चाहे जब ये ऑफ एयर जा रही है, ऑन एयर जा रही है, सॉरी, जब ये लाइव चल रही है, चाहे उस वक्त देख रहे हैं, चाहे आप काम खत्म करने के बाद शाम को रात को देख रहे हैं, इस बार मेरी बात ध्यान से सुने, बिल्कुल आरएस के एग्जाम के प्री के पेपर की तरह ये क्वेश्चन एपी में बन सकता है। वो ये है कि वो आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से जल संसाधन की कौन सी दो ऐसी स्कीम्स हैं, ठीक है, एक केंद्र सर दोनों केंद्र सरकार की हैं जिनमें वर्ल्ड बैंक वित्त पोषण में है, एक है निरांचल और एक है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में आपका डिपार्टमेंट अलग है, निरांचल में आपका डिपार्टमेंट अलग है। तो आज जाकर आज आपका ऑनलाइन का जो होमवर्क है, जो मैं अभी देना शुरू की हूँ इकोनॉमिक्स में, वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि नीरांचल जो योजना है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। अब जाके देखना वहां पे कि अटल भूजल योजना में कौन सा विभाग है, और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करना। और आज मैं आपको एक पॉलिटी से पुराना चीज पूछ रही हूँ, 361 आर्टिकल, 361 अनुच्छेद। आज जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास, जिन्होंने पॉलिटी भी बराबर दी है, इस क्वेश्चन का आंसर वो कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। देखो कंपलसरी तो क्या रखूं, लेकिन अगर आपको याद आ रहा है तो इसी वक्त लाइव चैट में दे दीजिए, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप कितना पिछला रिवाइज कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात लर्निंग में या अधिगम में यही होती है कि आप मेमोरी को कितना पीछे ले जा रहे हो। अगर आप मेमोरी को रोज रोज रिविजन से पीछे ले जा रहे हो, तो आपका जितना भी पढ़ाई है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, आप नहीं भूलोगे। और कंपटीशन में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ठीक बात, तो वहां पे आंसर दे दीजिएगा। अब चलते हैं अपन आगे, निरांचल परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार 2016-17 से है। इसका भी वित्त पोषण, पैसे कौन दे रहा है हमको, ऐसे लगता है वर्ल्ड बैंक के जवाई हैं हम,
है ना, जब देखो तब वर्ल्ड बैंक हमको क्या देता रहता है, पैसे देता रहता है कि ठीक है लो लो राजस्थान सरकार तुम। तो ऐसा ही फील हो रहा है फिलहाल तो मुझे कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक की क्या है, जवाई है कि ठीक है रखो पैसे ऐश करो आप। तो वित्त पोषित किसके द्वारा है, वर्ल्ड बैंक के अंदर। कितने राज्य शामिल है, 9 राज्य है और उसमें कितने, 18 जिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान के इसमें 2 जिले शामिल हैं, जोधपुर और उदयपुर। तो अब ध्यान रखोगे राजस्थान के अंदर इसके कितने जिले हैं, राजस्थान के अंदर इसके जिले हैं 2, एक कौन सा है जोधपुर और एक कौन सा है उदयपुर, एक कौन सा है आपका उदयपुर। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में तकनीकी सुधार लाना और क्षमता विकसित करना। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके सफल क्रियान्वयन के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है, निरांचल योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो निरांचल इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लो क्या फर्क पड़ता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय है आपका केंद्र सरकार का, पैसे मांगने के लिए फिर वही आपके पास वर्ल्ड बैंक है, और 9 राज्यों के 18 जिले हैं जिसमें से राजस्थान के 2 हैं, जयपुर और नहीं सॉरी जोधपुर और उदयपुर है। और करना क्या है कि भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ढंग से काम किया है या नहीं किया है, 2016-17 से शुरू की गई है। तो क्लियर, आगे बढ़ूं, चलो। हाँ, अगला कौन सा है आपका, जलमणि योजना। कौन सी योजना है, जलमणि। अब 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जलमणि योजना में पूरी तरीके से क्या है, केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है 300 से कम छात्र वाले ग्रामीण स्कूलों में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो जलमणि में आपको ध्यान रखना है कि 100% 100% पैसा कौन दे रही है, केंद्र सरकार। क्लियर कि 100% पैसा किसका लग रहा है, केंद्र सरकार का। उद्देश्य इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य है कि भाई जिन स्कूलों की स्ट्रेंथ, ग्रामीण स्कूलों की स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, ग्रामीण स्कूलों, और जो सेकंड ग्रेड की इकोनॉमी में भी ये बराबर की इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेकंड ग्रेड दो, रीट दो, आरएस दो, एसआई दो, बेस तो यही है, नया इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा बहुत एक आधा डाटा चेंज होगा, बाकी बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो ये देखो ग्रामीण स्कूलों के अंदर 300 से कम अगर छात्र हैं तो ये क्या लगाएंगे, शुद्ध पेयजल हेतु आरओ प्लांट लगाएंगे। शुद्ध पेयजल के लिए क्या लगाएंगे, ये आरओ लगाएंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जलमणि में बहुत आसानी सी बात याद रखनी है कि पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है और कह रही है भाई ग्रामीण स्कूल जिनका स्ट्रेंथ 300 से कम है उनको हम प्योर अच्छा पानी पिलाने के लिए कितने कितना 300 से कम है तो हम आरओ लगवा देंगे। क्या लगवा देंगे, आरओ लगवा देंगे। देखो कितना ध्यान रखती है सरकार अपने स्टूडेंट्स का, है ना। चलो अगला, ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना। बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना, इसका ईयर भी देखो 1 अप्रैल 2020 है और ये भी विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से चल रही है। फिर से अटल भूजल योजना से क्या हो रहा है, क्लैश किया जा रहा है। तो सबसे पहले याद रखना इसका एक सिंपल सिंपल सा कीवर्ड बनाओ, बांध और सुधार। क्या लिखो, बांध और सुधार। अब सुधार करने के लिए आपको कौन सा महीना चाहिए, अप्रैल। यहाँ आपको डेट याद रखना बहुत जरूरी है, अप्रैल 2020। कौन सा है, अप्रैल 2020। फिर से आपको सहायता किससे चाहिए भाई, तो वर्ल्ड बैंक पैसे दे देगा आपको दुनिया भर के, और इसकी अवधि भी इस बार फिक्स कर दी वर्ल्ड बैंक ने कि देखो यार तुम हर वक्त पैसा मांगने के लिए आ जाते हो, जब देखो तब आ जाते हो यार, प्लीज वर्ल्ड बैंक पैसा दे दे। वर्ल्ड बैंक ने बोला जाओ इस बार सिर्फ 10 साल के लिए दे रहा हूँ, 10 साल में ढंग से काम कर लो वरना फिर तू ना तो तुम्हारी ना मेरी, तो 10 वर्ष। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी तुम्हारे बांध पुराने हो गए हैं जिनमें भी मरम्मत की आवश्यकता है उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। मतलब हालत देखो राजस्थान की कि मरम्मत के लिए भी पैसा नहीं है, हम वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 10 साल दे रहा हूँ, 10 साल में जितने बांध ठीक करने हैं सारे के सारे बांध क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। तो इसका उद्देश्य है कि राजस्थान के पुराने हो चुके बांधों की मरम्मत, गेटों की मरम्मत, मिट्टी निकालना और सुदृढ़ीकरण की योजना है। अब इसमें राजस्थान के कितने बांध शामिल है, 6। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बांध सुधार जो योजना है उसके अंदर राजस्थान के कितने बांध शामिल है, 6। पहला कौन सा है, बीसलपुर याद रखना है, माही बजाज सागर ये भी याद रखना है,
जवाई बांध, ये भी क्या रखना है, याद है रखना है। फिर कौन है, गंभीरी, फिर सूकली, फिर मातृकुंडिया। ये जो छह स्थान हैं, इन छह स्थानों पर ये परियोजना चल रही है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है पैसे। ठीक, तो आगे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगली कौन सी परियोजना है, जवाई बांध परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पाली में पानी की बड़ी दिक्कत है। पाली का ये सीन है ना कि पाली को ये समझ ही नहीं आता कि मैं डेजर्ट, मैं अरावली का बेटा हूँ या मैं थार का बेटा हूँ। पाली के पास बड़ा कंफ्यूजन। पाली कहता है यार, कभी तो पाली को लगता है कि हाँ, अरावली है अपनी तो माँ, कभी कभी उसको लगता है नहीं, अरावली नहीं अपनी तो थार है। तो वो एकदम जंक्शन है बीच में पाली का। तो जवाई बांध परियोजना है, वो जवाई बांध बनाया गया, उसमें सुमेरपुर पाली, ये आपको सबको बहुत अच्छे से आता है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि पाली में बारिश होती है, पर बारिश के बाद वाटर परकुलेट होकर नीचे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि पाली के अंदर कुछ हिस्सा अरावली की चट्टानों का है, तो चट्टानी इलाके में पानी रिसेस कर जमीन के नीचे नहीं जाता। तो जितना बारिश होता है उतनी देर तक पानी रहता है, उसके बाद सारा पानी राइट ऑफ खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है पाली को पेयजल के पानी की। बारिश होने के बावजूद वर्षा के बाद का पानी उनके पास नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, चट्टानी संरचना होने के कारण नहीं रहता। तो उस जगह के लिए अगर आप क्या बना रहे हो, बांध बना रहे हो, और जिससे उनकी पेयजल की परियोजना दिक्कत दूर हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलेंगे। पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है, ये भी एकदम इजी है। इसका निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने कराया। इंजीनियर थे एडगर और फर्ग्यूसन, ये भी आपको ढंग से पता होगा। ठीक, अब जवाई बांध में कई बार पानी रहता नहीं है, तो इसके लिए पानी सुरंग से लाया जाता है। सेई बांध से क्या बनाई गई है, सुरंग बनाई गई है। और ये सुरंग जो है वो कहाँ से आ रही है, उदयपुर से आ रही है। तो जवाई जो है वो तो इजी है, लगभग हर बच्चे को क्या है, याद है। पर फिर भी एक इसका एक क्विक एक बार रीडिंग मार लेना। आगे चले, हाँ, 6.7 किलोमीटर सुरंग बनाई गई है इसके अंदर। राजस्थान की पहली जल सुरंग है, जो 1907 में सेई सुरंग से जवाई बांध में पहली बार क्या डाला गया था, पानी डाला गया था। अब जल की लगातार बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर जवाई बांध का जल स्तर बढ़ाने हेतु वर्तमान में जवाई बांध पुनर्भरण, वो कह रहे हैं भाई अब फिर से भरो, जनसंख्या बढ़ गई है पाली की, उस पर भी काम चल रहा है। अब कोशिश की जा रही है कि साबरमती बेसिन, पहले किससे पानी मांगा, सेई से मांगा, सेई नदी को फोन लगाया, बोला यार पानी भेजो, सेई ने भेज दिया पानी। फिर सेई ने कहा हाथ जोड़े तुम्हारे पाली वालों के, इतना कोई पानी मांगता है, सेई ने कहा नहीं है पानी। दोबारा फोन किसको लगाया, नया दोस्त बनाया, साबरमती बेसिन, कि साबरमती बेसिन वाले क्या लाओ मेरे लिए, पानी लाओ। तो साबरमती बेसिन के अधिशेष जल को अब जवाई बांध में भेजा जा रहा है। सेई बांध के अधिशेष जल को जवाई बांध तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अब देखो ये रहा, सुरंग का क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। अब सुरंग का क्षमता कैसे बढ़ाए, तो फिर साबरमती से हाथ मिलाया, बोले साबरमती जी अब आप दीजिए अपना पानी, क्योंकि सेई सुरंग की अब हम क्षमता एक बार बढ़ा नहीं सकते हैं। तो तब तक साबरमती से क्या चला रहे हैं, काम चला रहे हैं। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की क्लास हो गई, तो जितना आज पढ़ाया है उसको ढंग से रिवाइज करें। पहली जितनी भी क्लासें एग्रीकल्चर की से रिलेटेड शुरू हुई है, जल संसाधन की शुरू हुई है, उसको रोज रोज देखें, और उससे अगर कुछ याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ये सोचे ही मत कि हम ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, ये सोचिए कि ये वीडियो आपकी चलती क्लास है और नीचे लिखा हुआ आपका बोर्ड है। आपको जो याद आ रहा है वो लिख दीजिए, मैं जरूर से आपका मैसेज देखूंगी और वापस आकर इस प्लेटफॉर्म पर आपको रिप्लाई भी करूंगी। क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बहुत सारी चीजें याद आएगी तो एग्जाम में भी आपको याद आएगी, और वो कॉन्फिडेंस आपको थकने नहीं देगा। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट के, हम तैयारी करने के दौरान थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, क्योंकि आप वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते याद करने का। तो जब वो याद करने का कॉन्फिडेंस आएगा तो आप थकोगे नहीं, इसलिए ये काम जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी नैया पार लग जाए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखना सिर्फ आपको फायदा हो रहा है, ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ रहा है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, तो वीडियो को भी लाइक करें। और प्ले स्टोर पर जाइए, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहां से जीके का टेस्ट सीरीज आपको परचेज करना होगा। ठीक, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।